दोस्तों, कभी हम किसी जगह पर बहुत थोड़ी सी उम्मीद के साथ जाएं और वहां पहुंचकर हमें उम्मीद से दुगना मिल जाए तो पहले तो विश्वास करना मुश्किल होगा और उसके बाद बहुत खुशी होगी। ठीक ऐसी फीलिंग मुझे इस फिल्म को देखकर हुई। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मीता, वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं जिस मूवी की बात कर रही हूँ उसका नाम है मिमी। ये फिल्म पहले 31 जुलाई को रिलीज होने वाली थी पर किन्हीं कारणवश 27 जुलाई को ही रिलीज़ कर दी गई। इसे आप नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 12 मिनट का है। कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, मनोज पहवा, सुप्रिया पाठक, सई तमहानकर, एविलन एडवर्ड इस फिल्म की कास्ट है। इसके डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर हैं। मैंने इस फिल्म को बहुत लो एक्सपेक्टेशन के साथ देखना शुरू किया था क्योंकि ये एक बॉलीवुड फिल्म है और ऊपर से एक मराठी फिल्म का रीमेक भी है। डर था कि जैसे बॉलीवुड अच्छी ओरिजिनल फिल्मों का रीमेक के नाम पर कचरा करता है, इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। पर मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार मैं गलत थी। ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। बिना किसी फालतू के प्रोपोगंडा के एक इमोशनल कहानी को कॉमेडी के साथ पिरोकर एक मज़ेदार फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में इमोशन और ड्रामा उतनी ही कॉमेडी भी देखने को मिलेगी आपको। मैं आपका मूवी देखने का मज़ा ख़राब नहीं करूंगी, इसलिए बिना स्पॉइलर के फिल्म की स्टोरी का स्टार्टिंग पार्ट बता देती हूँ जिसे फिल्म के ट्रेलर में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। पर इससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और बेल बटन तो ज़रूर प्रेस कर लें। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर से, जहाँ एक अमेरिकन कपल सैरोगेसी के लिए एक यंग और हेल्दी लड़की की तलाश कर रहा होता है और इस काम के लिए वो एक भानु नाम के ड्राइवर की हेल्प ले रहे हैं जिसकी टैक्सी से वो दिल्ली से राजस्थान आते हैं। भानु उन्हें मिमी नाम की सुंदर लड़की से मिलवाता है जो वहाँ के एक होटल में राजस्थानी डांसर है। मिमी मुंबई जाकर हीरोइन बनना चाहती है पर उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है जो मिमी के पास है नहीं। अब वो अमेरिकन कपल मिमी को सैरोगेसी के लिए पसंद कर लेते हैं। मिमी भी पैसों के लालच में हाँ कर देती है। मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अमेरिकन कपल भानु पर मिमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। अब भानु और मिमी मिमी की फ्रेंड शमा के घर पर छुपकर रहते हैं। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता है। कहानी में कुछ ऐसे टर्न और ट्विस्ट आते हैं जिससे मिमी और भानु की लाइफ ही चेंज हो जाती है। मिमी के घर वाले और भानु के घर वाले भी इससे दूर नहीं रह पाते। सब मिलकर ऐसी खिचड़ी पकाते हैं जिसमें इमोशन का मसाला और कॉमेडी का तड़का लगा होता है जिसे देखने वालों को काफ़ी मज़ा आता है। आइए अब फिल्म के गुड एंड बैड पॉइंट्स के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डाला जाए। तो भैया, ऐसा है कि गुड पॉइंट्स में नंबर 1 है ह्यूमर। फिल्म में एक इमोशनल स्टोरी को ह्यूमर के साथ बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया है। कोई सीन काफ़ी इमोशनल चलता रहता है, अचानक से वहाँ कोई ऐसा डायलॉग आता है कि पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। जहाँ ऑडियंस रोने वाले होती है वहीं हंसने लग जाती है। फिल्म के साथ साथ कॉमेडी का लेवल भी बढ़ता चला जाता है जिस कारण से फिल्म कहीं पर भी ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। नंबर 2 पर है कास्टिंग। सबसे पहले बात करेंगे मिमी का कैरेक्टर प्ले करने वाली कृति सेनन की। एक राजस्थानी कल्चर की मिडिल क्लास छोरी मिमी, जिसे मुंबई जाकर हीरोइन बनना था पर बन जाती है माँ। फर्स्ट हाफ में एक अलर्ट सी लड़की जो सेकंड हाफ में एक मैच्योर लड़की बन जाती है। इस कैरेक्टर को कृति ने अच्छे से निभाया है। उनका राजस्थानी लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जिसमें वो बेहद आकर्षक लग रही हैं। सुप्रिया पाठक, सई तमहानकर और मनोज पहवा को जो रोल्स प्ले करने को दिए गए हैं उसे सभी ने अच्छे से निभाया है। अब बात करते हैं उनकी जिनके बिना ये पिक्चर ही नहीं रहती। जी हाँ, सही पहचाने हैं, पंकज त्रिपाठी। इनको देखकर लगता है कि ये एक्टिंग का चलता फिरता स्कूल है। कोई सा रोल दे दो, इस तरह करते हैं जैसे सालों से उसी रोल को जीते आ रहे हों। मुझे तो इनकी एक्टिंग गैंग्स ऑफ वासीपुर से ही बहुत पसंद आती है। उस फिल्म में पंकज का रोल छोटा सा था पर उसे देखकर ही समझ आ गया था कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है। भाई मान गए मेरी पारखी नज़र और पंकज त्रिपाठी के टैलेंट को। इस फिल्म में भी पंकज त्रिपाठी को बेहतरीन अदाकारी देखने को मिलती है। ज़्यादातर कॉमेडी वाले डायलॉग्स इनके ही खाते में आए हैं जिसे पंकज इतनी सरलता और शांति से बोलते हैं कि बस मज़ा ही आ जाता है। नंबर 3 पर है फिल्म का मैसेज। फिल्म हमें एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज भी देती है।
इस तरह की अच्छी सोशल मैसेज वाली फिल्में एक बेहतर कल की नींव रखती हैं। इसमें एक माँ के इमोशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। फोर्थ, बैकग्राउंड स्कोर। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ भी बनती है। कैसे एक बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को सपोर्ट करता है, ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिफ्थ, स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग्स। स्टोरी तो ओरिजिनल नहीं है, ये एक मराठी फिल्म का रीमेक है, पर स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग्स बिल्कुल फ्रेश और नए लगते हैं, जिससे स्टोरी भी नई सी लगती है। बैड पॉइंट्स की बात करें तो सॉन्ग्स और फिल्म के क्लाइमेक्स पर और काम किया जा सकता था। सॉन्ग्स और अच्छे होते तो फिल्म में चार चांद लग जाते। क्लाइमेक्स थोड़ा फीका है। मैं सोच रही थी कि एंड में अच्छा खासा ड्रामा देखने को मिलेगा, पर यहाँ थोड़ी निराशा हुई मुझे, पर इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे बिल्कुल देखना चाहिए। मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दूंगी। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।